इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते हो रहे विद्युत फॉल्ट भी समस्या बने हुए हैं। इससे निजात दिलाने और उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए खुद विद्युत कर्मी भीषण गर्मी और तपती धूप में कार्य कर रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को भीषण गर्मी में बेहतर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध हो सके। इसको लेकर विभागीय अधिकारी और कर्मचारी भीषण गर्मी में अपने कार्यों में जुटे हुए हैं, जिसमें विद्युत फॉल्ट की समस्या से निजात दिलाने पर काम किया जा रहा है। वहीं विद्युत चोरी रोकने के लिए मुरादाबाद में विद्युत विभाग की तरफ से अभियान चलाकर पूरे शहर में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत जर्जर विद्युत तारों को बदला जा रहा है। साथ ही जिन उपभोक्ताओं के घरों में मीटर लगे हुए हैं, उन्हें बाहर लगाया जा रहा है, जिससे विद्युत चोरी की घटनाओं को रोका जा सके। शहर में यह कार्य पिछले 10 दिनों से जारी है। इस दौरान शहर के कई इलाकों में विद्युत सैनिटाइजेशन का कार्य हो चुका है, तो वहीं आगे भी जारी है। वहीं XEN SK सिंह ने बताया कि लगभग उनके पूरे डिवीजन में पोल सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, जिससे लाइन लॉस को कम किया जा सके। वहीं वैध उपभोक्ता को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने और अवैध रूप से बिजली का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दौलतबाग दीवान का बाजार टाउन हॉल एरिया जहां ज्यादा लाइन लॉसेस हैं, वहां बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई की जा रही है। जहां घरों के अंदर मीटर लगे हैं, उन्हें बाहर लगवाया जा रहा है, जिससे चोरी की कोई संभावना न रहे। उन्होंने कहा कि इस महीने 12-13% लाइन लॉस कम हुआ है, जो कि अगले महीने में और कम होगा। वहीं जेई गजेंद्र सिंह ने बताया कि शहर के कई इलाकों में पिछले 10 दिनों से सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। जो विद्युत केबल कटे हुए हैं, उनकी वजह से फॉल्ट की समस्या बनी रहती है। वहीं सभी केबल को एक जगह से जोड़ा जा रहा है, जिससे बिजली चोरी ना हो सके। ये हमारे यहाँ तारों की बहुत दिक्कत थी, गुच्छा बना हुआ था पूरा। इससे डर ये रहता था कभी कहीं गिर जाए, कोई आते मेल इसमें ये निकल के भागेगा तो किसी की चोट लग सकती थी, ये हमेशा डर बना रहता था। आज जो है बिजली विभाग ने बिल्कुल इसको सही कर दिया, दुरुस्त बिल्कुल। हाँ, संतुष्ट हैं। पहले किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता था? ये 100% परेशानी थी। पहले ये नहीं पता चलता था किसका तार कौन सा, किसका तार कौन सा। जिस दीवार में लटका हुआ था वो दीवार गिर रही है, सबसे बड़ा उससे हादसा होने की खतरा था। बिजली वालों ने क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बेहतर है उनके लिए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वरना तो उससे खतरा था हमें भी। काम तो अच्छा हो रहा है, पूरी गली में तारों का गुच्छा हुआ करता था, सब गुच्छा ख़त्म कर दिया है पीछे हुआ करता था। और यह है कि काफ़ी सफाई हो गई गली की, और यह तार नीचे थी, तार ऊंची हो गई, और सब स्टाफ बढ़िया है, सब मिलके काम कर रहे हैं। हम लोग भी लगे हुए हैं और ये लोग भी लगे हुए हैं, सब मिलके काम दे रहे हैं। विभाग ने अच्छा काम करा है, पूरा स्टाफ बढ़िया है और सब काम हो रहा है, बिजली का कोई परेशानी नहीं है। आगे के लिए ये उम्मीद है कि लाइट भी अच्छी आएगी। पहले किस तरह परेशानी का सामना करना? पहले तो बहुत परेशानी हो रही थी, जैसे कि तार काफ़ी नीचे होते थे, गुच्छे होते थे बहुत ज़्यादा, मिनट मिनट में तार टूट जाते थे, आग लग जाती थी, बारिश होती थी तो बहुत आग लगती थी, पूरे मोहल्ले की लाइट भाग जाती थी। तो ये उम्मीद है कि शायद इससे फ़ायदा होगा कि बारिश वगैरह से लाइट में आग नहीं लगेगी और भी सहूलत होगी। हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं, सब बढ़िया है, अच्छा हो रहा है काम। कुछ कहना चाहेंगे बिजली वालों? मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब मिल बैठ के कर रहे हैं, खुशी है इस बात की, बहुत अच्छा हो रहा है। ये सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, जहाँ पे मतलब केबल वगैरह टूट हैं तो उसकी जगह आर्मर्ड केबल चेंज कराया जा रहा है विभाग के द्वारा, जिससे कि मतलब उपभोक्ताओं का भी फायदा है इसमें और विभाग का भी फायदा है। क्योंकि आए दिन आपने देखा होगा बंदर वगैरह आते रहते हैं, केबलों को तोड़ देते हैं, तो उसके बचने की वजह से आर्मर केबल को मतलब डलवाया जा रहा है। तो हमने मतलब काफ़ी मोहल्लों में काम करा दिया सैनिटाइजेशन का, जैसे तम्बाकू बालन, बाड़ा सहसफा, और ये आपका इमाम बाड़ा, और आज इमाम बाड़ा के पीछे काम चल रहा है, जो कि सुबह से ही चल रहा है। लगभग हमें इस काम को करते करते उच्च अधिकारियों का आदेशानुसार 10 दिन हो गए हैं, बराबर काम चल रहा है और जनता का भी सहयोग मिल रहा है। मतलब जनता को कोई परेशानी ना, जनता का पूरा सहयोग है कि काम अच्छा चल रहा है और इससे सभी को फ़ायदा है, विभाग को फ़ायदा है और उपभोक्ताओं को फ़ायदा है। और अभी ये काम जब तक पूरा नहीं होगा, जैसा भी आदेश हमारे अधिकारी देंगे चलता रहेगा। और आप मोहल्ले वाले खड़े हैं, उनसे भी इसके बारे में थोड़ा वो, अभी टाइम कुछ भी नहीं है, अभी वर्किंग में है काम। मतलब जब तक भी काम पूरा नहीं होगा, मेरे हिसाब से ये चलता रहेगा।
बीच बीच में भी चलता रहेगा अगर बीच में काम रुकता है। अन्य मोहल्ले में चला होगा? अन्य मोहल्लों में भी जैसे आज हम यहाँ पे करा रहे हैं इमामबाड़े के पीछे, हो सकता है कि कल को यही मोहल्ला हमारा रहेगा। जैसे मोरी वाली गली है उसका सैनिटाइजेशन कराएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी लोग दिक्कत बता रहे हैं कि वहाँ पे हमारे केबल कट पिट गए, तो उन केबलों को चेंज कराएंगे। अच्छा, इससे चोरी भी नहीं होगी? हाँ, इससे चोरी पे भी रोक लगेगी, और जो फॉल्ट हो जाते हैं जैसे कोई बीच में से दूसरे केबलों काट देते हैं उससे ही बचाव होगा, और उपभोक्ता को वोल्टेज वगैरह की समस्या से भी निजात मिल जाएगी। हमारे डिवीज़न में लगभग सभी इलाकों में इस समय काम चल रहा है, पोल सैनिटाइजेशन वर्क चल रहा है लाइन लॉस को कम करने के लिए, निर्बाध विद्युत आपूर्ति को के लिए, तो उपभोक्ताओं को हमारे जो वैध उपभोक्ता है उनको निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो, जो अवैध उपभोक्ता है उनकी केबलें ट्रेस की जा रही है, उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। जैसे मेन हमारे दीवान के बाज़ार, दौलत बाग, टाउन हॉल एरिया, इसमें जहाँ काफ़ी ज़्यादा लाइन लॉसेस है इसमें बड़े पैमाने पे कार्रवाई की जा रही है। घरों के अंदर से मीटर जो है उनको भी बाहर किया जा रहा है, जिससे चोरी की कोई संभावना न रहे। इस महीने हमारा लगभग 12-13% लाइन लॉस पिछले महीने की तुलना में कम हुआ है, जो कि जून माह में और भी कम होने की उम्मीद है। इसमें एक तो LMB 1 के सभी उपभोक्ता शामिल हैं जिनको छूट में लाभान्वित किया जा रहा है, और LMB 2 के 5 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को। इसमें किस्तों की भी सुविधाएँ हैं, 1 लाख के नीचे वालों के लिए 6 किस्तें हैं, और 1 लाख से ऊपर के बकायेदार अगर कोई है तो उसमें 12 किस्तों में वो जमा कर सकता है अपना। और रुझान शहर में तो ठीक है रुझान, हमारे यहाँ लगभग 22% लोगों ने इसका लाभ उठा चुके हैं अभी तक। अपील यही है कि जो लोग हैं तो बिजली अपना वैध तरह से बिजली का प्रयोग करें, अनावश्यक विद्युत का उपयोग ना करें, जिससे कि जो हमारे वैध उपभोक्ता हैं उनको हम लोग सुचारू रूप से अनवरत 24 घंटे बिजली आपूर्ति।